सुंदर लगते हैं ये आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो आप ज़्यादा पसंद आती है हुआ था आप देख लो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है किसी भी आप इसको पहन सकते ओ माय गॉड हेलो इवान वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मीशो की ज्वेलरी तो लेकर आई हूँ लेकिन ये जो ज्वेलरी है ये काफ़ी टाइम मैंने इसका वेट किया है कि कब आएगी मीशो पे कब आएगी और आप बिलीव नहीं करोगे मैं इसको ना चेक करती रहती थी कि जैसे ही आए सबसे पहले मैं ले लूँ क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर थी ये लेकिन मीशो पर नहीं थी सो so, मुझे पता था आएगी ज़रूर लेट आएगी लेकिन आएगी फाइनली आ चुकी है सो so, सबसे पहले जो जिस ज्वेलरी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ मैं आपको बता दूँ मैं बात कर रही हूँ क्यारा अडवानी वाली ज्वेलरी के बारे में जो उसने अपनी वेडिंग पे पहनी थी ग्रीन कलर की पिक्चर मैं लगा दूँगी बहुत ही सुंदर थी यार बहुत ज़्यादा सुंदर थी सो so, आपका पता नहीं लेकिन मैं तो इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी शायद नहीं ले सकती अभी तो नहीं ले सकती इन फ्यूचर का भी ले पाऊँ तो शायद सो so, बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी है जो उन्होंने वेयर की है तो हम तो बस वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा मैचिंग का आ जाए मीशो पे सो तो आ चुका है और मैंने परचेस कर लिया है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी ज्वेलरी है लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसी ज्वेलरी के लिए मैंने पार्सल जो है वो खोल लिया था लेकिन मैंने भी अभी अच्छे से नहीं देखी मैं आपके साथ आपके सामने देखने वाली हूँ सो आई यू गाइज एक्साइटेड तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट और यार मैं सच में प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ न्यू अराइवल में से लाती हूँ और कोशिश रहती है कि रीजनेबल लेकर आऊँ क्योंकि मैं चाहती तो बाकी वेबसाइट से लेकर आ सकती थी वहाँ पे टू थाउजेंड प्राइज है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्राइज है लेकिन मीशो पर बहुत ही चीप प्राइज़ है मैं मैंशन कर दूँगी मुझे किस प्राइज में मिला है सो so, थोड़े से अगर मेरे आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं जो कि मैं करती हूँ तो प्लीज़ आप उनको अप्रिशिएट कर दो एक लाइक like करके एक प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सो so, अगर आप ऐसी नई नई चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारी हो गई बातें विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट इस पैकेजिंग में जो है हमें ज्वेलरी रिसीव हुई है आप देखते हैं कि कैसे रिसीव हुई है क्वालिटी प्राइजेस मैं सबको सब, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी सो बॉक्स को करते हैं ओपन और यहाँ पे कुछ रेटिंग का सेलर ने दे रखा है और इसके अंदर जो है वो है ज्वलरी सो एक्साइटेड सो इसको मैं खोल लेती हूँ आपके सामने फटाफट से ओके ओ माय गॉड सो ये है ज्वेलरी यार सच में मैंने इसका ना बहुत वेट किया है ठीक है तो इसको मैं बहुत जल्दी स्टाइल भी करूँगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आपको दिख जाएगा कि मैंने इसको किस ड्रेस के साथ किस आउटफिट के साथ स्टाइल करने को मंगवाया है सो so, मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा प्रटी है बहुत ज़्यादा प्रटी है बहुत सुंदर लग रही है मतलब बहुत हैवी है आई नो कि ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल से कम भी नहीं है निकाल लेते हैं पीछे इन्होंने जो है वो पिन से सेट करके दे रखा है पूरा और अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी मैंने तो सोचा था कि मैं फंक्शन वाले दिन ही इसको निकालूंगी लेकिन मुझे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है सो so, इसको खोलते हैं ओके गाइस सो पैकिंग जो है वो मैं पूरी तरह से इसकी खोल चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है बहुत ज़्यादा प्रिटी है और मतलब मैं इसको क्या ही डिस्क्राइब करूँ पूरे स्टोन्स हैं जैसी पिक्चर में थी और बहुत हद तक इसको पूरा डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छी कोशिश है आप देख लो बहुत ज़्यादा पिटी लग रही है और इसके साथ हमें प्रॉपर मतलब ये सो so, ये इफ अगर आपने कोई साड़ी पहनी है या फिर कोई डीप नेक ब्लाउज पहना है तो उस पर बहुत सुंदर जाने वाली है और इसके साथ आपको प्रॉपर ये मांगटी का भी रिसीव होगा ठीक है सो so, आप देख लो कि कैसी लग रही है मुझे तो बहुत पेटी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही है और आपको इयर भी रिसीव होंगे मैं आपको एयर भी दिखाती हूँ तो मुझे मेरे पास इसके इस इस पीस के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन में ही अवेलेबल है मीशो में सारे कलर्स में अवेलेबल है इफ़ आपको रेड चाहिए येलो चाहिए इसकी स्टोन जो है वो आप ग्रीन देख रहे हो इसमें रेड येलो ग्रीन और पूरा सिल्वर प्रॉपर अगर आपको सिल्वर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है बहुत ही अमेजिंग चीज़ निकली है और मैं आपको मतलब एकदम श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्राइस में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस प्राइस में किसी भी और वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है मैं पूरा अच्छे तरीके से चेक कर सकती हूँ अभी तक की सबसे चीप प्राइस में ज्वेलरी जो निकली है वो मीशो पर ही निकली है और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है मैं आप लोगों को पर्सनली दिखाना चाहती थी मैं अपने लिए लेना चाहती थी बस यही रीज़न है ये वीडियो बनाने का तो आप ये मत सोचना कि मेरे कोई स्पॉन्सरशिप है या मुझे कुछ पे होगा ये सब बोलने का या दिखाने का नहीं है सब बिल्कुल भी नहीं है मैंने अपने पैसे खर्च कर इसको परचेस किया है और डेफिनेटली मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ बहुत ज़्यादा प्यारी ज्वेलरी है दिखाती हूँ मेरे ईयर और ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं पहनने का बहुत सुंदर लगने वाले हैं ये हैं कुछ ईयर रिंग्स इसके आप पास से देख लो सो so, ये है इसके कुछ प्यारे से छोटे छोटे सी एयरिंग्स ज़्यादा छोटे नहीं है एक एवरेज लेंथ है इनकी सो so, ये है इसका मांग टीका आप देखो ग्रीन कलर में इस पर स्टोन दे रखा है अब जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही वो सिर्फ इस मांग टीके की है कि यार ये जो चेन है ना ये थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी के दे देते या फिर थोड़ी सी और बड़ी दे देते क्योंकि ये ना यहीं जाके रुक जा रही है और थोड़ी सी और अगर मतलब मैं इसको यहाँ पे भी रख रही हूँ तो ये बिल्कुल इतनी जा रही है मतलब चेन की जो क्वालिटी है ना सिर्फ मांग टीके की वो ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही है लेकिन इस प्राइस में मैं मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नेक पीस जो है वो उन्होंने बहुत ही सुंदर निकाल कर दिया है सो so या yeah, ये था मेरा फर्स्ट ज्वेलरी पीस जो या yeah, ये था मेरा फर्स्ट ज्वेलरी पीस जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और काफ़ी टाइम से वीडियो मैं प्लान कर रही थी कि मैं लेकर आऊँगी लेकर आऊँगी फाइनली मैं ये लेकर आ गई सो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको कैसी लगी चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट ज्वलरी मैं दिखाती हूँ मैंने नेक्स्ट क्या पर चेस किया था तो नेक्स्ट ज्वेलरी जो है वो ऐसी ज्लरी है जिसको आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो आपने इसको आप एथनिक के साथ भी कैरी कर सकते हो वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हो और इंडो वेस्टर्न पहना है तो, तो फिर मतलब बहुत ही अच्छा जाने वाला है सो so, इस ज्वेलरी के बारे में मैं एक बार पहले भी बात चुकी हूँ कुछ इसी से सिमिलर ज्वेलरी मैंने एक बार ऑर्डर की थी और अब ये पीस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मीशो पे सो so, ये है कुछ नेक पीस जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाला है ठीक है और मुझे सबसे अच्छी जो नेक पीस की अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको मेरी चॉइस पता होगा ज्वेलरी में मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो डोरी देते हैं ना ये कुछ इस तरीके से देते हैं मैंने आपको पहले भी मैंशन किया था कि इफ़ अगर हम बैकलेस पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं ब्लाउज पहनते हैं तो बैक से जो चीप मटीरियल वाली चेन होती है हुक वाली वो मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती तो ये जो चीज़ होती है ना इससे पता चलता है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी की है अच्छी क्वालिटी की है ठीक है तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बना कर दे रखी है बात कर लेते हैं नेक पीस की पूरे में पर्ल्स का वर्क हो रखा है और नीचे पूरा कलरफुल सा है यहाँ पे पूरे पर्ल्स लगे हुए हैं आप देख लो आगे से आगे यहाँ पे आपको पूरे स्टोन्स लगा के दिए हुए हैं और पहनी हुई बहुत पर्टी लगती है ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सो so, कुछ इस तरीके से भी आप इसको पहन सकते हो चाहो तो आप इसको एज़ लॉन्ग भी पहन सकते हो चाहो तो आप इसको शॉर्ट करके भी पहन सकते हो मैं मुझे मुझे चोकर ज्वेलरी पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं तो इसको एज अ चोकर पहन बाकी आप बता देना आपको कैसी लगी बात कर लेते हैं इसके एयरिंग्स की सो so, ये हैं इसके एयरिंग्स जो मुझे इसके साथ रिसीव हुए थे इसमें भी पोल का वर्क दे रखा है और रेड कलर के इसमें कुछ पर्ल्स लगाए हुए हैं और इन पर भी देखो आप इन पे भी आपको स्टोन्स लगा के दिए हुए हैं इनको ऐसे नहीं छोड़ा हुआ तो इस ज्वेलरी को काफी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है जो कि मतलब बहुत सुंदर ज्वेलरी है ये पहनी हुई बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है सो और ये तो मैंने आपको दिखाया कलरफुल है आप किसी कलर का आपका सूट है साड़ी है आप किसी भी कलर की आउटफिट पे इसको वेयर कर सकते हो बहुत ही प्यारी ज्वेलरी दिखाती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट ज्वेलरी और अभी तक वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट टाइप कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी में सो गाइज नेक्स्ट ज्वेलरी जो होने वाली है वो मुझे मतलब ये लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये कोई नेक पीस नहीं है ईयर नहीं है ये है मांग टीका जो कि सिंगल मैंने मंगवाया था मीशो से और बहुत ही मुझे अच्छा रिसीव हुआ था आप देख लो एक बार नीचे में पूरे पर्ल्स का वर्क हो रखा है ऊपर पूरे स्टोन्स लगे हुए हैं और कुछ ऐसा लगता है मतलब पूरा लुक चेंज कर देता है मांग टीका आपके फेस पे इफ़ अगर आपको पहनना अच्छा लगता है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ रिसीव हुआ था आप देख लो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ठीक है तो मीशो पे काफ़ी सारे मांग टीका की जो रेंज है वो अवेलेबल है लेकिन आपको सर्च कर कर रिव्यू देखकर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर हो तो पर्सनली देखो मेरी जो वीडियो है वो कोई पेड वीडियो तो है नहीं कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है ठीक है तो मैं अपने लिए जो मंगवा रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ शेयर कर लूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देखकर या फिर रैंडमली मीशो पे प्रोडक्ट सर्च करते हो किसी भी वेबसाइट पे करते हो तो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले एक बार आप नीचे जा जो भी प्रोडक्ट आपने देखा नीचे जाके उसको स्क्रॉल किया करो और रिव्यू हर जगह मेंशन होते हैं कस्टमर हर जगह अपने रिव्यू डालता है तो वहाँ पे रिव्यू में जाकर आप एक बार फोटो देख लिया करो कि एग्जैक्ट ऊपर क्या दिया हुआ था और नीचे आपको वैसा रिसीव हो भी रहा है या नहीं और जो बाकी कस्टमर ने लिया है उनको वो चीज़ एग्जैक्टली लगी कैसी है अच्छी रिव्यू आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सबसे पहली चीज होती है ये ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड चीज होती है सेलर रेटिंग मतलब कई बार होता है कि यार हमने आपने ये चीज़ देखी और मतलब आपको लगा कि दो सौ रुपये की ये सेलर दे रहा है वो वाला तो दो सौ बीस की दे रहा है तो मैं दो सौ वाला ले लूं नहीं आपको ऐसे नहीं करना दस बीस रुपए के लिए मैं मानती हूँ कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दस बीस रुपए के लिए हमें गलत चीज़ें रिसीव हो जाती हैं तो सेलर रेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑनलाइन अगर आप चीज़ें परचेज कर रहे हो तो सेलर रेटिंग क्या होती है जो भी प्रोडक्ट होता है यहाँ साइड में आप हमेशा देखना थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार हमेशा रेटिंग दी होती है वो होती है सेलर रेटिंग मतलब वो जो सेलर है जो वो प्रोडक्ट अपने सेल कर रहा है वो किस तरीके की चीजें भेज रहा है उसको क्या कितनी रेटिंग मिली हुई है अगर स्टार स्टार रेटिंग मिली है, वन स्टार रेटिंग मिली मिली है है तो मत लेना क्योंकि वो येलो या ये ऑरेंज कलर की ऑलरेडी हो जाती है कि वो सेलर जो अपनी चीजें अच्छे नहीं भेज रहा आप देखना की थ्री स्टार रेटिंग फोर स्टार रेटिंग फाइव स्टार रेटिंग से अगर सेलर से आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना तो आप खुद देखना कि आपके पास जो चीजें हैं वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं आएंगी कभी भी आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगा तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो यार मतलब थोड़ी चीजें ध्यान रखा करो आई नो मैंने थोड़ा ज्यादा पका दिया होगा लेकिन मतलब कुछ लोगों को ये चीजें नहीं पता होती तो मुझे लगता है कि यार बता देनी चाहिए बाकी आप कमेंट में बता देना कि मैं अगली बार से थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि मीशो से हमें तो गलत चीजें रिसीव होती हैं आपको कैसे सही रिसीव हो जाती हैं और आप कहते हो कि आपकी तो कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है वो इसीलिए रिसीव हो जाती है कि रात के जब बारह बजते हैं ना तो मैं मीशो पे सर्च करना मतलब बारह क्या मैं एक मतलब फ्री तब होती हूँ तो मैं मीशो पे सर्च करना शुरू करती हूँ और मैं बेस्ट सेलर की फिल्टर लगाती हूँ और मैं देखती हूँ तो तो गलत आई चीजें नहीं होती हैं उसका रीजन यही है इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में पूछ लेना बात कर लेते हैं इस मांग टीके की बहुत सारे मांग टीके मीशे पे अवेलेबल है बहुत सही सही प्राइस में अवेलेबल है सेलर रेटिंग देख लेना रिव्यू देख लेना देख कर लेना बहुत चीप प्राइस में है मार्केट में यही मांग टीके का प्राइस जो है वो थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी चल रहा है लेकिन मीशो पे मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गया था मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और लगाने के बाद बहुत सुंदर लगता है वेडिंग सीजन चल रहा है आप चाहो तो ऐसा एक मांग टीका ले लो काफी सारे सूट पे साड़ी पे काफी सारे ड्रेसेस पे आपका निकल जाएगा तो ज्यादा ज्वेलरी इट्टी करने की जरूरत नहीं है कुछ ही ज्वेलरी लो लेकिन ऐसी हो कि मतलब आपका बहुत सारे फंक्शन मतलब मल्टी यूज हो जाए वो ज्वेलरी आपकी तो ऐसी ज्वेलरी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये जो ज्वेलरी है ये मल्टी यूज ज्वेलरी है आप काफ़ी सारे फंक्शन पे काफ़ी सारी ड्रेसेस पे इसको कैरी कर सकते हो ये भी वैसी है पर्ल्स वाली ज्वेलरी आपके बहुत सारे फंक्शंस निकाल देगी सो so, बात कर लेती हूँ नेक्स्ट ज्वेलरी की जो मैंने और परचेज की थी और जो मुझे लगता है कि आपको लेनी चाहिए आपके पास होनी चाहिए सो so, ओके सो जहाँ मैंने ये बात करी अभी मल्टी यूज ज्वेलरी की तो मैं इसको तो भूल ही नहीं सकती ये मीशो पर मुझे बहुत ही अच्छी ज्वेलरी लगी मैंने मुझे मंगवाई तो मैं आपको दिखाती हूँ ईयर ठीक है ये मीशो पर मुझे रिसीव हुए हैं इयर जिसको आप एज़ इट इज़ भी वेयर कर सकते हो लेकिन लेकिन अब री उस, आप इसको कैसे करोगे इसके साथ आपको ये सब रिसीव कॉइन टाइप्स के बने हुए हैं ठीक है ब्लू भी है वाइट भी है ग्रीन भी है येलो भी है आ, मैं ले लेती हूँ रेड आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आपको आप चाहो तो इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हो अब आपने जिस कलर की ड्रेस पहनी है आपको इसमें से उस कलर का कॉइन निकालना है और आप देखो मैं इसको कैसे लगाऊंगी बस इसमें यहाँ पे होल दे रखा है आपको उसको ऐसे लगा देना है ठीक है और बस आपको उसको एज इट इज़ वेयर कर लेना है ये होगी आपकी रेड कलर की ज्वेलरी ठीक है सेम आपको इसके साथ भी करना है सो ये बन गया आपका कुछ रेड कलर में अब इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं और आप कलर चेंज कर कर करके इसको पहन सकते हो तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कोई पर्टिकुलर रेड येलो पिंक ब्लू ऐसी ज्वेलरी में मत करो जो आपने जो कि आपने एक ड्रेस के साथ पहनी और सिर्फ पड़ी नहीं आई ऐसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करो जो कि आप बार बार यू री यूज कर सको ऐसा मुझे लगता है बाकी हो सकता है आपको ना लगता हो जो भी लगता हो कॉमेंट में बता देना यार ठीक है तो ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है और अगर आपको पसंद है तो मुझे लगता है कि आपको ले लेनी चाहिए और अगर आपको नीड हो तो ले लेनी चाहिए लेकर रखना नहीं है यूज़ करो तो ही लेना ऐसी चीज़ें है। ठीक है तो मैं तो इसको यूज़ करती हूँ आपने मेरे को एक दो वीडियो में ये पहने में भी देखा होगा तो मुझे बहुत सही मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये अब आपको नेक्स्ट सुन मैंने और क्या परचेज की थी और यार अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हो मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो मुझे कमेंट आ रखे हैं कि कुछ सब्सक्राइबर जो है वो विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो वो ब्लेजर्स देखना चाहते हैं गाइज बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है ब्लेजर्स की सो चैनल पर बने रहे और अगर आप भी कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं डेफिनेटली वही वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी और यार हमारे टू के कंप्लीट होने वाले हैं जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर से टूक की फैमिली जो है वो कंप्लीट करो और मेरी वीडियो जब वो डेली वन पी एम आती है तो प्लीज यार थोड़ा अप्रिशिएट कर दो प्यारा सा कमेंट करके चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी में दिखाती हूँ नेक्स्ट ज्वेलरी मैंने कौन सी मंगवाई थी और क्या रिसीव हुई थी सो ने तो नेक्स्ट ज्वेलरी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये ज्वेलरी भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी ठीक है और ये है कुछ चोकर टाइप में दिया हुआ है आप इसको गोल्डन ड्रेस के साथ सिल्वर किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो सो so, पहले तो आप देख लो इसमें पर्ल दिया हुआ है नीचे और पूरे में यहाँ पे स्टोन्स दे रखे हैं यहाँ पे पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोन्स जो है वो लेस वाले जो पेस्ट हुए होते हैं वो नहीं प्रॉपर इसमें स्टोन का वर्क हो रखा है बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव वाली ज्वेलरी लगती है पहनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे आएगी है और मुझे ये ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ठीक है सो so, मीशो पे अगर आप अच्छे से ढूंढोगे ना मतलब टाइम निकाल के अगर आप ज्वेलरी लोगे तो मतलब ऐसी ज्वेलरी मिलेगी ना कि लोग पूछेंगे ली कहाँ से है तो आप देख लो ये बहुत प्यारी ज्वेलरी लगती है मुझे और ठीक है बहुत सुंदर है पूरे में यहाँ स्टोन्स दे रखे हैं यहाँ पे चेन दी हुई है और बैक पे भी चेन दी हुई है आपको बंद करने के लिए आप देख लो ठीक है और यार एक चीज और बता दो कि ना कई बार मुझे ना कमेंट्स आने लगे हैं कि आई सपोज मैंने एक वीडियो डाली उसमें दस चीजें दिखाई और दस चीजों में से मैंने नो का लिंक दिया एक का नहीं दिया वो मैं तब नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो जो एक चीज है वो आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए मैं आप लोगों को उसका लिंक नहीं दे पा रही हूँ लेकिन जैसे ही वो स्टॉक इन होती है बैक स्टॉक में आती है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पे रिप्लाई दे देती हूँ उसका कोड जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ तो अगर कोई कोड नहीं दिया हुआ तो प्लीज आप समझ जाया करो कि वो जो चीज़ है वो आउट ऑफ स्टॉक है जैसे ही स्टॉक में आएगी मैं डेफिनेटली यार आप लोगों को दूंगी मैं आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों को कैसे नहीं दूंगी सो so, मुझे ऐसा लगता है आज कुछ ज्यादा ही चिपचैट हो रही है मेरी क्योंकि मतलब जो मैंने जूलरी पीस के स्टार्टिंग की है ना उसने मेरा मूड पूरा चेंज कर दिया है सो या ये है नेक पीस जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है बहुत ज़्यादा सुंदर है आप चाहो तो उसको ले सकते हो मेरी तरफ से डेफिनेटली येस है स्टॉक में होगा तो मैं, तो मैं मतलब स्टॉक में होगा तो मैं जरूर इसका जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आप जाके परचेज कर लेना बात कर लेते हैं इसके एयरिंग्स की ये है इसके एयर ठीक है कुल नेक पीस के जैसे बना के दिए हुए हैं जैसे नेक पीस में आपको स्टोन का वर्क है वैसे ही एयर रिंग्स नीचे पर्ल्स बना हुआ है आप सब ईयर रिंग्स भी इसके पहन सकते हो मतलब सूट वगैरह के साथ अगर आपको नेक पीस नहीं पहनना चाहो तो पूरा सेट भी पहन सकते हो तो बहुत सुंदर है बहुत प्यारा है काफ़ी सारा आपका मल्टी यूज होने वाला है काफ़ी सारे ड्रेसेस पे जो है आप इस ज्वेलरी को भी पहन सकते हो तो ये थी मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी आई होप आपको अच्छी लगी हो चलते हैं आज के नेक्स्ट ज्वेलरी पे दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या मंगवा रखा है मीशो से और काफ़ी सारी ज्वेलरी खट्टी हो गई है कहाँ पहनूंगी यार मैं इतनी ज्वेलरी है वो होने वाली है कुछ नेवी ब्लू कलर में और ये है वो ज्वेलरी मतलब ये है वो ईयर इफ़ अगर आप मेरे को फॉलो करते ही हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे मतलब सब्सक्राइबर हो और अगर देखकर बैक करने वाले हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाओ और मैंने ना अपने पोस्ट में वीडियो फोटोज डाली थी एक ब्लू कलर के ड्रेस में मतलब बहुत ही सुंदर ड्रेस है बहुत सुंदर ड्रेस है आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना कुछ फिशकट वाली ड्रेस बनवाई थी मैंने और उस ड्रेस के साथ मैंने ये ब्लू कलर की ज्वेलरी मंगवाई थी लेकिन मैंने उसके साथ ये वेयर नहीं करी क्योंकि उसी दिन एक और ज्वेलरी मुझे रिसीव हो गई थी कुछ सिल्वर कलर में तो मैंने वो पहन ली थी तो ये उस ड्रेस के साथ थे जाकर एक बार ड्रेस देख लेना कि किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको पता चल जाएगा तो ये भी बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे इिंग्स है पूरे यहाँ पे स्टोन्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ टेसिल्स टाइप दिए हुए हैं और इसमें भी काफी सारे कलर्स जो है वो अवेलेबल हैं ब्लू पिंक और येलो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग और वन मोर थिंग कि इसकी जो पिक्चर थी ना उस पिक्चर में मुझे रिव्यू डले भी हुए थे मैंने खुद देखा था और जो पिक्चर मेंशन थी वहां पे ना ऐसा कुछ सर्कल में था तो मुझे यही था कि जैसा पिक्चर में है वैसा कुछ सर्कल में ही आएगा लेकिन कुछ फ्लावर फ्लावर टाइप बना आ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तब भी बहुत सुंदर लग रहे हैं ज़रूरी नहीं कि कि मुझे मतलब ज़रूरी नहीं आया कि आपको हर बार गलत चीज़ें रिसीव हो कभी अच्छी चीज़ें भी अच्छी रिसीव हो जाती है ना सो so, कभी कभी हमारा लक चल रहा होता है मुझे तो हो अच्छी ही होती हैं तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और प्यारे लग रहे हैं जल्दी हम इनको भी स्टाइल करेंगे अभी तो तक आपको मेरी ज्वेलरी की जो पसंद है जो कलेक्शन है वो अच्छी लग रही हो इफ अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को अगर दो सब्सक्राइब चलते हैं आज की नेक्स्ट ज्वेलरी पर दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या मंगवाया हुआ है ओके गाइस नेक्स्ट ज्वेलरी जो होने वाली है वो है ईयर कफ मैं आपको दिखाती हूँ मुझे ईयर कफ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है तो मीशो पे काफ़ी वेराइटी है ईयर कफ में सो so, ये आपने मेरे को देखे होंगे पहने हुए मतलब कुछ इस टाइप का देखा होगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ईयर कफ है सो so, मुझे मीशो पे दिखे थे तो मैंने ये भी परचेज़ कर लिए थे ये बेसिकली किस तरीके से आपके ईयर्स में दिखेंगे मैं आपको एक पहन के दिखाई देती हूँ तो इस तरीके से जो है वो आप इसको अपने ईयर में पहनोगे बहुत ही सुंदर लगते हैं ये पहने हुए आप देख लो बहुत ज़्यादा प्रटी लगते हैं और पूरे ईयर कफ में जो है वो आपको पूरे में स्टोन्स दिए जाएंगे पूरे में स्टोन्स का वर्क हो रखा है ठीक है और इस मतलब इनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है सपोज़ ये पीछे दे रखा है आपने इसको ऐसे पहना तो आपको ना यहाँ पे ऊपर अपने ईयर के यहाँ पे पूरा लॉक सिस्टम बैक से दिया गया है तो आप पीछे से भी इसको ऐसे खोल के प्रेस कर लोगे तो आपका ये बिल्कुल भी ऐसे नीचे स्वाइप होने वाला या हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है एज इट इज रहेगा जैसे आपने अपने ईयर में इसको पहन लिया तो आप इसको अपने मतलब अगर आप मतलब कॉलेज भी जाते हो या फिर कैजुअल मीटिंग्स में भी जाते हो अगर आपको हैवी ईयर पहनना नहीं पसंद कुछ ट्रेंडी पहनना पसंद है तो ये ट्रेंडी इयर बहुत ज्यादा मतलब डिसेंट वाले पीस लगते हैं तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं अभी यही मतलब प्लान कर रही हूं कि मैं ना एक मीशो से सिर्फ ईयर कफ की वीडियो लेकर जिसमें मैं आपको नए नए न्यू अराइवल में ईयर कफ ही दिखाऊं इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कम कमेंट डाउन बिलो कि आप ईयर कफ देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं प्लीज हाँ या ना करके चले जाना या फिर कुछ और देखना है तो वो भी बता के चले जाना तो ही मैं वीडियो लेकर आऊँ सोरी या नेक्स्ट ज्वेलरी जो है वो ईयर कफ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है प्राइजेस पिक्चर सब मैं मैंशन कर दूंगी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लेना तो आज के लास्ट प्रोडक्ट पे और लास्ट जो होने वाला है वो एक ब्रेसलेट होने वाला है मैं आपको बता दूँ और ये मैंने ब्रेसलेट लिया था मीशो से और एडी ज्वेलरीफ अगर आपने देखा हो मेरा हॉल तो मैंने इसके बारे में उसमें बात करी थी और वो मैं इसको एक दो बार पहन भी चुकी हूँ जैसा था एज इट इज़ रहा अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें पानी भी नहीं लगने दिया मतलब कॉटन में रखा तो इस वजह से रहा या फिर इसकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी है सो ये मैंने दिखाया था इसमें पूरे में हार्ट्स बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये हाथ में पहना हुआ बहुत डीसेंट लगता है सो so, इस आप इसको डेली यूज़ में भी पहन सकते हो कॉलेज जाते हो या नॉर्मल मीटिंग्स पे जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो तो आप ऐसा डिसेंट सा ब्रेसलेट पहना हुआ आपके हाथ में मतलब आई कैचिंग लगता है नज़र जाने ही वाली है कि हाँ मतलब हाथ में क्या पहना है फिलहाल तो चूड़ा है तो हो सकता है आपकी नज़र ना जा रही हो अगर आपने कुछ नहीं पहना है एक ऐसा ब्रेसलेट भी पहनी है तो बहुत प्यारा लगे तो येस गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो आई रियली होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो इफ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब जल्दी से गाइस टू के अगर दो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इफ अगर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर कॉमेंट कर देना सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर